बीते दिनों राजस्थान में हुई निर्मम हत्याकांड का मामला देशव्यापी होता जा रहा है। इसकी एक झलक कानपुर के किदवई नगर में देखने को मिली, जहां स्थानीय हिंदू परिवारों ने सड़क पर उतरकर इस घटना का घोर विरोध किया तथा प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। देखें खबर। राज्य राजस्थान के उदयपुर शहर में कल एक निर्मम हत्या हुई। इस संबंध में कानपुर शहर के रानापुरा क्षेत्र में यहाँ के लोकल हिंदू परिवारों के द्वारा एक ज्ञापन किया गया और मान्य की राष्ट्र सरकार से ज्ञापन के द्वारा डिमांड की गई है उस हत्या को या जो फांसी किस समुदाय में आपको ज्ञापन सौंपा है? यहाँ के जो लोकल हिंदू परिवार है आदियों द्वारा जो इतना हिंदू धर्म के व्यक्ति को सरेआम चापर से काट दिया गया है, उसके विरोध में मैं राजस्थान सरकार को ये प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिहादी को फास्ट ट्रैक अदालत के द्वारा जल्द से जल्द फांसी की सजा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की आप लोगों ने? ज्ञापन के माध्यम से मैंने ये मांग करी है कि यहाँ पे कि जितने भी तबलीगी जमात और दावते इस्लाम PFI और दारू देवबंद जैसे ये PFI जो संगठन इस्लामिक कट्टरवादी संगठन चल रहे हैं, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया जाए और इनके जितने भी आका हैं उनको जेल में डाला जाए जिससे ये जिहादी मानसिकता लोगों की खत्म हो। पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी ये उनके परिवार को दी जाए और मैं ये अगर ये कृत्य दोबारा दोहराया जाएगा तो क्रिया पे प्रतिक्रिया मिलेगी। ये क्रिया